नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पहली बातें पर। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर। यूं तो देशभक्ति के बारे में या देश के प्रति अच्छी सोच रखना लोगों को बकवास लगता है, और मैं अगर आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको भी लगता है कि देश के प्रति सोचना या देश के लिए बात करना उसके हित में एक बकवास काम है, तो आप ये वीडियो को नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको रत्ती भर भी लगता है कि देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है और देश के लिए आपको अच्छी सोच रखना जरूरी है, तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे किरदार के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका किरदार निभाया गया है थ्री इडियट में आमिर खान के द्वारा। आमिर खान ने जो कैरेक्टर निभाया है उस किरदार का नाम था फुनसुख वांगडू, जो वास्तविक में नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो देश के एक अच्छे साइंटिस्ट हैं और देश के लिए काम करते रहते हैं। दोस्तों उन्होंने एक बड़ी बात कही, 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं जिंदगी देने की जरूरत है। और देश को जिंदगी कैसे दिया जा सकता है इस वीडियो में आप देखेंगे, जो खुद सोनम वांगचुक ने हम लोगों के साथ साझा किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए रत्ती भर भी दोस्तों, तो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और ये वीडियो जहां तक आप फैला सके वहां तक फैलाए। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं, जब वो नाराज हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है और इससे चीन बहुत डरता है। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, और जिस दिन जीटीपी घट जाए वहाँ की जनता क्रांति के लिए तैयार है। भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। ज़रा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मार कर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं, और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती है। अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, तख्तापलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, जरा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर एप्स गेम्स जैसे टिकटॉक चैरिट इन सब में मस्त, उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नागरिक जवाब ज़रूर दें और इसे एक अभियान बनाएं ग्लोबल मूवमेंट की तरह। और जब हम बॉयकॉट करते हैं इन सामान का, तो अपने देश के उद्योग का उत्पाद का हम प्रयोग करेंगे और उससे मजदूरों को रोज़गारी मिलेगी और सारा देश खुशहाल होगा, बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टक्कर ले सकें सीमा पर भी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जहां तक एप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर, क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम एक साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिज्ञा करें बल्कि 100 और लोगों को
इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाए। इस फोन पर जो भी चीनी ऐप्स हैं उन्हें तो मैं एक हफ्ते में हटा रहा हूं, बल्कि ये फोन जो कि चीन में बना है इसे भी मैं एक हफ्ते में अपनी जिंदगी से अलग कर रहा हूं, और एक साल के अंदर हर वो चीज जिस पे मेड इन चाइना लिखा है उसे जिंदगी से निकालने जा रहा हूं। हमें चीन से, चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनकी रवैयों से समस्या है। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा। और मैं सालों से कहता रहा हूं कि 21वीं सदी में देश के लिए जान देने की नहीं बल्कि जिंदगी देने की जरूरत है। तो ये बातें कही हैं सोनम वांगचुक ने, और सच में ये सही बातें हैं दोस्तों। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है देश के लिए कुछ करने की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जरूर लोगों के साथ ये वीडियो साझा करेंगे। दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहिए, और परिवार को बढ़ाने के लिए सिर्फ आपको करना है छोटा सा एक काम, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको मिलती रहे सारी नोटिफिकेशन और आपको कॉमेडी के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी जानने को मिले। धन्यवाद।